Hello everyone, we have already seen कि किस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द आर्डेंस थ्योरम। बट हम लोगों ने ये भी देखा था कि आर्डेंस थ्योरम की लिमिटेशन होती है कि वो एप्सिलॉन एनएफए पे अप्लाई नहीं हो पाता। सो आर्डेंस थ्योरम अप्लाइज टू द एनएफए एंड आर्डेंस थ्योरम अप्लाइज टू द डीएफए बट इट डज नॉट अप्लाई टू द एप्सिलॉन एनएफए। सो आज के लेक्चर में हम लोग ऐसे डीएफए, ऐसे एनएफए जिसमें कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी हो, ऐसे फाइनाइट ऑटोमेटा को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो इसको करने के लिए हम जो इस मेथड को फॉलो करेंगे, इस मेथड का नाम है स्टेट एलिमिनेशन मेथड। तो आइए हम लोग इन रूल्स को देखते हैं। सो पहला रूल ये कहता है कि देयर शुड बी नो इनकमिंग ट्रांजिशन टू द इनिशियल स्टेट। इफ देयर इज वन लाइक दिस, क्रिएट अ न्यू इनिशियल स्टेट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड लेट्स से दिस इज अनदर स्टेट, मे बी द फाइनल स्टेट, एंड देयर इज अ ट्रांजिशन to the initial state from this state. So let's say this is state number 1 and this is state number 2. So from state number 2 there is a transition to the initial state. So ये कह रहे हैं कि ऐसा allowed नहीं होगा। So अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे कि हम एक नया initial state बना देंगे और उस initial state से epsilon transition दिखाएंगे state number 1 को, and बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे कि आपके ऑटोमेटा में है। So इस तरह से आपने ये इंश्योर किया कि initial state में कोई भी incoming transition नहीं होगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि देयर शुड बी नो आउटगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम द फाइनल स्टेट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके फाइनल स्टेट से कोई आउटगोइंग एज है तो हमें उस आउटगोइंग एज वाले फाइनल स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। सो लेट्स से हमारे पास ये ऑटोमेटा है जिसमें कि फाइनल स्टेट अगर हम नंबरिंग करें, सो 1 2 3, इसमें जो 2 नंबर स्टेट है वो फाइनल स्टेट है जिससे कि आउटगोइंग ट्रांजिशन है। अगर इससे आउटगोइंग ट्रांजिशन है तो हम इसको चेंज करेंगे। The change can be applied by adding the epsilon transition from state number 2. So हमने एक epsilon transition add कर दिया state number 2 से, जो कि नए final state की तरफ जाएगा। So this is the rule number 2. The rule number 3 says that there should be only one final state. If there are many, create a new final state. So what is the meaning of this? Let's say ये हमारे पास ये एक state है, यहाँ से हम A ट्रांजिशन से यहाँ चले जाते हैं, B ट्रांजिशन से हम यहाँ चले जाते हैं और C से ट्रांजिशन से हम यहाँ चले जाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल फाइनल स्टेट्स नहीं हो सकती, आपको सिंगल फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा। सो हाउ आर वी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस? आप A, B और C ट्रांजिशन ऐसे ही दिखाएं। तो मान लीजिए कि अब ये फाइनल स्टेट नहीं है, अब एक कंबाइंड फाइनल स्टेट है। A वाले से एप्सिलॉन ट्रांजिशन, देन बी वाले से एप्सिलॉन ट्रांजिशन, थर्ड रूट से भी एप्सिलॉन ट्रांजिशन से आप नए फाइनल स्टेट की तरफ पहुंच जाएंगे। सो देयर हैज टू बी ओनली वन फाइनल स्टेट, दैट इज व्हाट दिस रूल सेज। फोर्थ रूल कह रहा है कि अगर हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की सेटिंग्स कर ली हैं तो अदर देन द इनिशियल फाइनल स्टेट एलिमिनेट इंटरमीडिएट स्टेट्स वन बाय वन लीविंग द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द ओरिजिनल एफए। सो अगर हमने ऑलरेडी एनएफए बना लिया है तो जो एप्सिलॉन एनएफए हमने बना लिया है और कोई रूल नंबर 1 2 3 के हिसाब से कोई वायलेशन नहीं है, तो आपको इंटरमीडिएट स्टेट्स को 1 बाय 1 एलिमिनेट करना है और रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हुए चलना है। ओके, सो आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस के हिसाब से इन रूल्स को वेरीफाई भी करेंगे, इन रूल्स को हम यूटिलाइज भी करेंगे। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर कन्वर्टिंग दैट टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट डू यू हैव the automata like this. There is A from this direction, B from this direction, and C transition from this direction, leading to this state which is the final state, let's say. So इसको मुझे regular expression में अगर convert करना है तो ये parallel जो lines हैं वो मुझे ये बता रहा है कि ये parallel lines जो हैं वो union के बारे में बात कर रहा है। So union का मतलब क्या है कि अगर या तो A या तो B या तो C, इन तीनों में से किसी का भी selection एक बार में हो सकता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C। सो इस ऑटोमेटा से जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा बना, सो दैट रेगुलर एक्सप्रेशन इज A प्लस B प्लस C। फाइन, सो दिस इज वेरी सिंपल वन। और इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास एक ऑटोमेटा है जिसमें A से ट्रांजिशन इधर होता है एंड B से ट्रांजिशन ऐसे होता है। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे पहले ए से ट्रांजिशन है, देन बी से ट्रांजिशन है, तो ये कुछ कॉन्कैटिनेशन जैसा है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ए विल बी फॉलोड बाई बी, सो जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी ए बी। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। So let's say this is A and this is C. This is the final state and there is a self loop at this and this is B. So self loop हमें क्या बताता है? Self loop हमें बताता है ये closure की बात कर रहा है, तो ये B star की बात कर रहा है इस state पे। So हमारे पास पहले symbol A है, हम concatenate कर देंगे इन सभी चीजों को। पहले हमारे पास symbol A है, eliminate कर रहे हैं इस वाले स्टेट को। आपको पता है कि स्टेट एलिमिनेशन मेथड है, तो हम वन बाय वन एलिमिनेट करेंगे। तो हम ये मीडिएटर वाला जो है इसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। तो ए हमारे पास पहले से था, इसके बाद फिर अगर हम मीडिएटर स्टेट को एलिमिनेट कर रहे हैं तो इट इज लीविंग द इफेक्ट बी स्टार, और इसके बाद हमारे पास सी ट्रांजिशन है। सो दिस एक्चुअली इज रिप्रेजेंटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी स्टार एंड सी। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाई दिस। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट्स से द एग्जाम्पल इज दैट वी हैव ए स्टेट एंड देन वी हैव बी स्टेट। लेट्स से दिस इज द फाइनल स्टेट, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे इनकमिंग ट्रांजिशन है और जो फाइनल स्टेट है उससे भी एक आउटगोइंग ट्रांजिशन है, तो ये दोनों हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट में इंश्योर करेंगे कि कोई भी इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन लगा दिया। इसके बाद आउटगोइंग एज से कोई भी, फाइनल स्टेट से कोई भी आउटगोइंग एज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने फाइनल स्टेट को चेंज किया। मान लिया कि बी एफ फाइनल स्टेट नहीं है और बी से एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन है जो कि फाइनल स्टेट में लेके जाता है। इसके बाद बाकी ट्रांजिशंस वैसे ही हैं, तो ये 0 है और ये 1 है। या इसको हम अगर ऐसे एनालाइज करें, इसकी लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें। सो लैंग्वेज हम कैसे बना पाएंगे, या जो स्ट्रिंग्स इससे बनेंगी, तो 0 हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्टेबल होगी वो 0 1 0 एक्सेप्टेबल होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल हमारे पास होगी वो 0 1 0 1 0 एक्सेप्टेबल होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मीनिंग ये है कि 0 तो होना ही है और उसके बाद फिर 1 0 और इसका क्लोजर। इस तरह से हम ऐसा सोच रहे हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेट्स को 1 बाय 1 एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहले हम जो स्टेट एलिमिनेट करना चाहते हैं वो ए को एलिमिनेट इसमें करना चाहते हैं। ए को एलिमिनेट करने के लिए एप्सिलॉन, हम इनिशियल स्टेट से आगे जा रहे हैं, एंड देन 0 हमें आगे दिख रहा है, तो एप्सिलॉन और 0 हमारा 0 हो जाएगा और हम बी पे 0 से पहुंच सकते हैं। तो स्टेट बी पे हम 0 से पहुंच सकते हैं। इसके बाद चूंकि एक बी से ए एंड देन ए से बी, बी से ए और ए से बी, बी से ए से बी एक रेगुलर तरह का ट्रांजिशन है जो कि साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 0 और ये 1 0 का क्लोजर हो जाएगा। दिस इज एप्सिलॉन एंड दिस इज फाइनल स्टेट। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इसमें से हम बी स्टेट को एलिमिनेट करेंगे। सो जब आप इसमें से बी स्टेट को एलिमिनेट करेंगे, सो 0 फॉलोड बाई या 0 कॉन्कैटिनेटेड विद, चूंकि बी हमें क्लोजर की बात कर रहा है, तो 1 0 का क्लोजर और ये हमारा फाइनल स्टेट हो जाएगा। सो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें क्या मिला इससे, स्टेट एलिमिनेशन से 0 एंड देन 1 0 का क्लोजर। फाइन, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिससे कि हमने इस ऑटोमेटा को कन्वर्ट कर दिया है रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे इसके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।